अरे पेटचंद, बोलो लो पेटचंद, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं चाची के पास गाना सुनने के लिए। गाना सुनने के लिए? हाँ हम भी चलेंगे। अरे अभी तो तुम नहा रहे हो। अरे बैठो, नहा ले, चलते हैं साथ में। चलना है ना फिर? हाँ चलना है। चलिए फिर बैठते हैं। चलिए मैया सोवथी पहाड़िया जगाई कैसे, 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 हाँ हो जगाई कैसे, हाँ हो बोलाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया जगाई कैसे, जगाई कैसे हो जगाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया जगाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया जगाई कैसे, डलिया भर फूल फूल भर गजरा, 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 चढ़ाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया जगाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया चढ़ाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया चढ़ाई कैसे, हाँ हो जगाई कैसे, हाँ हो जगाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया जगाई कैसे, जगाई कैसे हो जगाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया जगाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया जगाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया जगाई कैसे, दोनी भर दूध दूध भर दहिया, 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 हो खवाई कैसे, हाँ हो पियाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया पियाई कैसे, खवाई कैसे हो खवाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया पियाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया जगाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया जगाई कैसे, नरिया लाले ओढ़निया, लाले चुनरिया लाले ओढ़निया, लाले चुनरिया लाले ओढ़निया, लाले चुनरिया लाले ओढ़निया, ओ पहनाई कैसे, हाँ हो पहनाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया पहनाई कैसे, पहनाई कैसे हो पहनाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया पहनाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया पहनाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया पहनाई कैसे, हाँ पहनाई कैसे, हाँ जगाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया जगाई कैसे, पहनाई कैसे हो पहनाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया जगाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया जगाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया जगाई कैसे, चंदन का पलना रे सबकी डोरी, चंदन का पलना रे सबकी डोरी, चंदन के पलना रे सबकी डोरी, चंदन का पलना रे सबकी डोरी, झूलाई कैसे, हाँ हो झूलाई कैसे, मैया सोवथी पहाड़िया झूलाई कैसे, हाँ हो
जुलाई कैसे हो जुलाई कैसे मैया सोवत है पहाड़िया जुलाई कैसे मैया सोवत है पहाड़िया जुलाई कैसे मैया सोवत है पहाड़िया जुलाई कैसे जुलाई कैसे हो जुलाई कैसे मैया सोवत है पहाड़िया जुलाई कैसे कैसे हो जुलाई कैसे मैया सोवत है पहाड़िया जुलाई कैसे अबे बीड़ी जला सबसे पहले बना अरे बीड़ी जला रहा है पहले बताओ जो बीड़ी जलाना है बीड़ी जलाओ जब तेरे पाकल नहीं है तो क्यों ले लिया माफी पहले बोलना चाहिए ना पहले बोलना चाहिए ज्यादा कहीं का पहले बोलते बता दे कि बीड़ी जलाओ पाकल नहीं है आया बीड़ी जलाने के लिए किया कभी नहीं किया नहीं तो फिर कहाँ से कल आएगी कभी नहीं पिएगा ठीक है ना नहीं पिएगा अबे बीड़ी चुपी रहा सीख रहा था अच्छा अच्छा चला तुम बोले थे बीड़ी पिया है कभी इसलिए सीख रहा था अबे झूठी करके रख दिया हाँ ना लाज कहीं का अरे भैया बीड़ी नहीं पियेंगे अब और पी लो हाँ सी आने लगी और पी लो अब नहीं पियेंगे हाँ अरे फेक्शन काका बड़े शांत बैठे हो तो क्या चिल्लाओ क्या नहीं हमारे कहने का मतलब था कि कुछ सुनाओ अरे आज मैं कुछ सोच रहा था सोचना छोड़िए कुछ सुनाओ तो सुनो एक बार मैंने एक बीघा चना बोया हाँ हाँ फेंको मैं लपेटता हूँ उसमें कुल एक पेड़ जामा एक बीघे में सिर्फ एक पेड़ उसमें मैंने 5 बैलगाड़ी खाद डाला एक पेड़ में 5 बैलगाड़ी खाद मैं तो ढोके ले गया था हाँ तब वो इतना छचड़ा कि दो दो बीघा इधर उधर पहुंच गया वो इतना बड़ा पेड़ हुआ कि हम लोग उसमें झूला डालकर झूलते थे चने का पेड़ रहा कि शकरकंद का सुनोगे नहीं टिपा टिपड़ी करने लगोगे उसमें चढ़ते कैसे थे सीढ़ी लगा के फिर वो फला फूला कि नहीं हाँ फला फूला उसमें फल कितने बड़े बड़े थे जैसे बादाम इतने बड़े बड़े फल हाँ इतने बड़े फल उसमें 5 बैलगाड़ी खाद नहीं डाली गई थी क्या उसमें मजदूर लगाकर टोवाया गया सारे गांव के बैल लाकर उसको मरवाया गया मारते समय उसमें एक जोड़ी बैल गायब हो गए थे बैल गायब हो गए बड़ी बड़ी थी मारते मारते न जाने एक जोड़ी बैल कहाँ घुस गए पता ही नहीं लगा कहाँ चले गए हाँ पता लगा है जब चना ओसाया गया तब निकले तो वो बैल कहाँ थे चने के फल में घुसे थे कहीं बैल चने के फल में घुस सकते हैं भला क्यों नहीं घुस सकते जब तुम्हारी छोटी सी आँख में पूरा नदी पहाड़ झरना घुस सकता है तो बैल नहीं घुस सकते वो तो उसकी सिर्फ तस्वीर दिखाई देती है अबे जब घुसेगा तभी तो दिखाई देगा तुम्हारी गपबाजी तुम्हें मुबारक हो हम चलते हैं जय राम जी की जाओ ना तुम्हें कोई बुलाने गया था क्या
देखो मैं तुम लोगों से एक गुप्त बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात बताना चाहते हो फेकचंद? किसी से कहोगे तो नहीं? अरे काका, किसी से कह के मार खाना है क्या? तो सुनो, किसी से कहोगे तो नहीं? अरे बकोगे कि कहोगे नहीं करते रहोगे। मुझे निकलेगा तब मैं तभी ना बोलूंगा। तुम्हें दही जमा है क्या? अरे ऐसा मत बोलो लपेटचंद, अगर डेयरी वाले सुन लिए तो मुझे ले जाएंगे दही जमाने के लिए। तो अच्छा होगा ना, किसी का काम बन जाएगा तो तुम खुश हो जाओगे। राम राम फेकचंद काका। राम राम। शहर से भाई ना आयो का? हाँ अभी आ रहे हैं, बादल आए भी हवाई जहाज से, दोनों तरह से आए हैं। राजू भैया ये दोनों कौन हैं? अरे ये हमारी बीवी है और ये हमारी बहन है रेनू, यानी हमारी भाभी। हाँ भाई हाँ। अरे राजू भाई, चोरी चोरी शादी कर लिए? ये सब है प्रभु जी की माया, हमने वही किया जो हमारे समझ में आया। रेशमा ये लोग मेरे गांव वाले। गांव वाले हो या जंगल वाले, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, अब घर चलो। बड़ी तीखी लाया है रे बहू। देखो बुढ़ो, देख ही तो रहे हैं। घर चलो ना भैया, भूख लगी है। चलो अरे फेकचंद ये क्या कर रहे हो? चावल पका रहा हूँ। चावल पका रहे हो? हाँ, कल तुमने अधपका चावल खिला दिया था जो रात भर पेट में हलचल कर रहा था, इसलिए उसे पका रहा हूँ। कल तो तुमने खाना ही नहीं खाया था। जो सुबह खाया था उसी को पका रहा हूँ। तुम्हें धीमी आंच में कैसे पकेगा काका, कहो तो लकड़ियाँ डाल के और तेज कर दो। अबे चावल नहीं मैं पक जाऊंगा। तुम पक जाओगे तो अच्छा रहेगा। वो कैसे? तुम तो जानते ही हो काका, कुम्हार कच्चे बर्तन को पकाकर कैसे मजबूत बनाते हैं, वैसे तुम भी पककर मजबूत हो जाओगे। अबे पककर मैं मजबूत नहीं, मर जाऊंगा। अरे अरे फेकचंद, मरना नहीं, नहीं तो हम अनाथ हो जाएंगे। समझदार हो। अरे काका, आप पेट सेक कर दंड क्यों मारते हो? अबे उसे दंड मारकर हिला रहा हूँ ताकि अच्छी तरह पक जाए। अरे काका, कहो तो मैं करछुल डाल के चला दूं। करछुल डाल के मारना चाहता है क्या? नहीं काका, मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। मदद उदत छोड़, जब पहले मुंह धो के आ। मुंह तो धो के आए हैं। धो के तो आए हो, कितने समय है? चेहरे पे काली बदरी छाई है। अब क्या कर रहे हो? सही तो कह रहा हूँ। अरे फेकचंद काका, तुमने हमारी बहुत तारीफ कर दी, अब याददाश्त से बाहर हो। अबे याददाश्त नहीं, बर्दाश्त के बाहर। क्या कर लोगे तुम लोग हमारा? पूछो ना, हम क्या कर सकते हैं? जो करना है बोल डाल, देखा जाएगा। हाँ हाँ बोल, क्या कर लेगा? हम तुमको सर आंखों पे बिठा के रखेंगे।